सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। तो कल हमने मॉड्यूल 3 पर डिस्कशन शुरू किया था। उससे पहले मॉड्यूल 2 में हमने ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इस पर विस्तार से बात की थी, और इसी क्रम में हमने अभ्यास 1 के बचे हुए स्टेप्स को पूरा किया था और अभ्यास 2 के 3 स्टेप्स को हम लोगों ने टेकअप किया था। अब हम यहाँ पर मानव को और विस्तार समझने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो कंटेंट है इस पे मोटा मोटी देखें तो पूरी बात हो चुकी थी सेल्फ की सारी क्रियाओं को लेकर, तो हम लोग उसको एक बार फिर से देख लेंगे, इससे वो बात ध्यान में आ जाए। और उसके साथ अब हम सेल्फ के कुछ क्रियाओं को और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग, मानव का ज्ञान, ये बेसिकली इस मॉड्यूल का टाइटल है। तो ये पहला स्टेप है और इस पूरे कोर्स का कोर थीम है। तो कोर्स में हम मानव का ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान और अस्तित्व मानव की भागीदारी का ज्ञान, इसको विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि मानव किस तरह से मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। हम लोगों ने मैं की क्रियाओं का अध्ययन किया था, मैं में जो ज्ञान की क्षमता उसका अध्ययन किया था, और ये भी हम लोग अभी और विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस तरह से मानव में यानी मैं में डिसहार्मनी या कॉन्ट्रडिक्शंस तैयार हो जाते हैं। तो इन मॉड्यूल 3 वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इन डेप्थ एंड ऑल्सो इन फर्दर डिटेल अबाउट द ह्यूमन बींग, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बींग एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, an in-depth investigation into the need, activities and response of both the self and the body, reinforced by direct observation. तो ऑलरेडी हमने जो अभ्यास एक और दो शुरू किया था तो उसको हम एक बार फिर से दोहराएंगे लेक्चर 10 और 11 में। एक्टिविटीज एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ द सेल्फ इन फर्दर डेप्थ एंड डिटेल, लेक्चर 12 से 14 में हम मैं की क्रियाओं का और विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मैं में जो हार्मनी या कॉन्ट्रडिक्शन के कारण है उसको अध्ययन करेंगे, और सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, सुख के क्या स्रोत है, इस पूरी चर्चा के साथ उसको हम लेक्चर 15 में देखेंगे। तो लेक्चर 10 एंड 11 में हम उसको और विस्तार से और गहराई से बात करने वाले हैं, परंतु उस पर काफी बात अभी तक हो चुकी है। अभी हमको दिखता है कि ज्यादातर समय हम विचार के स्तर पर क्रियाशील रहते हैं, परंतु अभ्यास 1 में जैसे हमने ध्यान देना शुरू किया हम भाव के स्तर पर ज्यादा क्रियाशील हुए, और हमने भाव को पहचानना, भाव को है ना मूल्यांकित करना और भाव में परिमार्जन करना, इसके लिए हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया था, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम करते रहे हैं। और जो अभ्यास एक और दो का बेसिक कंटेंट है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जब हम क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन साथ साथ चलते रहते हैं, परंतु लेक्चर में उस पूरे कंटेंट को एक बार ठीक से रख देना जरूरी होता है। उस दृष्टि से लेक्चर 10 एंड 11 में वो बातें रखी गई हैं जो हम लोगों ने अभ्यास 1 और 2 में स्टडी किया था। तो एक्सरसाइजेज 1 एंड 2 तो इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो हम निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं में ज्ञान की आवश्यकता है, स्वयं में सही भाव, सही विचार की आवश्यकता है, और उसके साथ जीने की योग्यता हमारे अंदर सुनिश्चित हो बाहर के संसार के साथ, इसकी आवश्यकता है। इस पर बात हुई थी कि ये जो अभ्यास 1 और 2 हम कर रहे हैं इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक का पूरा ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, उसके आधार पर हमारे अंदर संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव और विचार सुनिश्चित हो जाए, और उससे हमारे जीने में ऐसी योग्यता आ जाए कि हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ उभय सुख के अर्थ में हो, हमारा कार्य शेष प्रकृति के साथ हर बार उभय समृद्धि के अर्थ में हो, और जो हम भागीदारी करें उससे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, जो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा तक जाए। तो हमारा जो फोकस है वो स्वयं में ज्ञान, स्वयं में सही भाव, सही विचार पर है, इसको लेकर हम अभ्यास 1 और 2 करते रहे हैं। तो ये अपने को दिखता है कि तृप्तिपूर्वक जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने की आवश्यकता है, और वैसा देखने के लिए हमें सजग होने की आवश्यकता है। तो इन दोनों ही अभ्यासों में जैसा भी हम लोग करते रहे हैं हम अल्टीमेटली सजगता के साथ अस्तित्व को देखने का अभ्यास करते रहे, उसमें हम मैं को और शरीर को देखने का अभ्यास करते रहे। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें, एक तो ध्यान देने की वस्तु क्या है और दूसरा ध्यान देने की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान देने की वस्तु के रूप में देखें तो समूचा अस्तित्व है, ध्यान देने की प्रक्रिया के रूप में देखें तो
तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है। तो ध्यान देने की वस्तु के रूप में देखें तो चित्त में तीन तरह की वास्तविकता है, शून्य है जो व्यापक है, असीम है, सर्वव्यापी है, चैतन्य इकाइयां हैं जो काल में निरंतर है परंतु स्थान में सीमित है, और जड़ इकाइयां हैं जो काल और स्थान दोनों में सीमित है। तो अनित्य, निरंतर और नित्य, इन तीनों को हम समझने का काम कर रहे हैं। तो अभ्यास एक में हम चैतन्य द्वारा चैतन्य को जानने का प्रयास करेंगे, अभ्यास दो में हम चैतन्य द्वारा जड़ को जानने का प्रयास करते हैं, और अभ्यास तीन में हम अस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु अभी हमारी और तैयारी हो जाए उसके बाद इस पे बात हो सकती है, इसलिए इसको अभी हम लोग ओमिट करके चल रहे हैं, परंतु अभ्यास दो के आखिरी स्टेप में इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस पर तो बात हुई थी, ये तीन तरह की वास्तविकता है, चैतन्य, जड़ और सहस्तित्व, इसको देखने का काम करना है। देखने वाला मैं हूँ, शरीर नहीं, आंखें तो शरीर का हिस्सा है, ये बात हम सभी को स्पष्ट है। मैं दृष्टा हूँ, आंखें नहीं, आंखें तो यंत्र के रूप में शरीर के एक हिस्से के रूप में काम करते हैं। तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना ये अभ्यास एक है, चैतन्य द्वारा जड़ को देखना ये अभ्यास दो है, और चैतन्य द्वारा सहस्तित्व को देखना ये अभ्यास तीन है। उसी क्रम में जब देखने जाते हैं तो मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखना शुरू करते हैं, मैं और शरीर के बीच संबंध को देखना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सहस्तित्व को देखने का हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो अपनी शक्तियों का अंतर नियोजन करने की बात है, अभी हम उसका बहिर्नियोजन करते हैं। बहिर्नियोजन करते हैं तो बाहर की ओर ध्यान बना रहता है, अब उसको समेट कर अपनी ओर ध्यान देना है। तो स्वयं की ओर जब ध्यान देते हैं तो स्वयं में समझ बनती है, स्पष्टता बनती है, और स्पष्टता के साथ अब जब बाहर ध्यान देते हैं तो कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, मान्यताओं से हम मुक्त रहते हैं, है ना, जान लिया, समझ लिया। तो जब हम भीतर ध्यान देते हैं और वास्तविकता को जान पाते हैं तो बाहर के संसार के साथ हमारा जीना ज्यादा सटीक हो पाता है, ज्यादा ठीक हो पाता है। उससे पहले हम मान्यताओं और संवेदनाओं के आधार पर ही ध्यान देने का अभ्यास करते रहते हैं। तो अभ्यास एक में स्वयं को स्वयं द्वारा देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और ये बात कई बार भी किया, एक विधि है ना कि एकमात्र विधि है, और हम लोग इसको 7 स्टेप्स में अभ्यास किए, परंतु आप अपनी सुविधा अनुसार अगर आपको लगता है कुछ स्टेप्स आपको बहुत क्लियर है उस पर अलग से ध्यान नहीं देना है तो आप उसको किसी स्टेप से जोड़ सकते हैं, कोई स्टेप आपको लगता है कि बहुत महीन है इसमें ज्यादा काम करना है उसको आप मल्टीपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। अल्टीमेटली मुद्दा तो देखने का है ना, दृष्टा भाव में स्थापित होकर सत्य को, व्यवस्था को देखने का है, संबंध को देखने का है जी। तो ये सारी बात हुई थी, मुझे इसको हम लोग फिर एक बार तेजी से बस ये एक बार फ्लिप करते चले स्लाइड्स को। तो इसमें दिखता है कि मैं को देखने के लिए तो शरीर के यंत्र के रूप में भी आवश्यकता नहीं है, मैं को तो मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ, तो उसमें तो आंखों की भी जरूरत नहीं है, तो आंखों को कंफर्टेबल पोजिशन में रख सकते हैं, और बॉडी के है ना हिलने डुलने की बहुत जरूरत नहीं है, चलाने फिराने की, तो जैसा पोस्चर ठीक लगे वैसा रख सकते हैं। ये 7 स्टेप्स में हम लोगों ने अभ्यास एक को किया था। तो पहला स्टेप ये था कि हम अपने पूरी कल्पनाशीलता के प्रति और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग हो जाए, और स्टेप वन में हमने ये ध्यान दिया था कि हम इस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें, कोई है ना अलग से कोई भाव विचार आरोपित ना करें, कोई मूल्यांकन ना करें, कोई समीक्षा ना करें, इसको बदलने का रोकने कोई प्रयास ना करें, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करें। और आप पाएंगे स्टेप वन हमारे लिए कई बार कठिन पड़ता है क्योंकि हमारा अभ्यास ही नहीं है बिना प्रतिक्रिया के देखने का। एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आएगी अभ्यास एक को जब आप स्टेप वन को ठीक से करेंगे कि हमारा प्रतिक्रिया करने का अभ्यास इतना गहरा है कि हम ठहर कर है ना जैसा है वैसा देख ही नहीं पाते। संवेदनाओं को जब देखने जाते हैं तो फिर भी लोग उसका अभ्यास कर पाते हैं इतने नए पूर्व, परंतु जब भाव को देखने की बात आती है तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका मूल्यांकन तत्क्षण शुरू हो जाता है। तो ये हमको जरूर ध्यान देना है कि तो भाव को सजग बने रहे, दूसरा बिना किसी प्रतिक्रिया के उसको ऑब्जर्व करें, ये इस अभ्यास को अपने को बनाए रखने की जरूरत है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने मूल्यांकन किया कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में हमने देखा कि इसके साथ में जो स्थिति है वो सुखद है या दुखद है। स्टेप फोर में हमने इस बात को अपने आप में जांचा कि मेरे भाव का निर्णय कौन लेता है, तो ये दिखा कि भाव का निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। उससे दो बातें स्पष्ट हो गई, एक तो दिखता है कि भाई अपने आप स्थिति सुखद अगर नहीं है और भाव का निर्णय मैं खुद ही ले रहा हूँ तो मुझे अपने ऊपर गंभीरता से काम करना है, जिम्मेदारी पूर्वक काम करना है, एक निर्णय ये बनता है। दूसरा
अब मैं शिकायत से मुक्त होता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि जब भाव का निर्णय मेरा है तो मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। तो फिर ये दूसरे व्यक्तियों पे है ना आरोपित करना या उन पे आरोप लगाना अपने दुख के लिए, अगला व्यक्ति गलती कर सकता है, परंतु यदि मैं दूसरे व्यक्ति को अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानता हूँ तो ये मेरी ही अयोग्यता है। फिर पांचवें स्टेप में हमने देखा कि अल्टीमेटली मैं अपने भाव का निर्णय किस आधार पर करता हूँ, समझ के आधार पर या मान्यता के आधार पर। यदि समझ के आधार पर करता हूँ तो मेरे भाव की निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। अगर मैं मान्यता के आधार पर करता हूँ तो ना तो उसमें निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। और इसमें उन्होंने एक होमवर्क लिया कि मुझे अपनी मान्यताओं को बारीकी से देखना है, अपने संस्कारों को पकड़ना है, देखना है। ये भी एक अभ्यास है जो हम करते रहे, अपने संस्कारों को देखने का, क्योंकि ये दिखा अपने को कि मेरे संस्कारों से, मेरे मान्यताओं से मेरे भाव तय होते हैं। तो मुद्दा विचार का नहीं है बेसिकली, मुद्दा भाव का है। अब भाव में भी मुद्दा बेसिकली मेरे संस्कारों का है, और उसके आगे फिर हम उसमें परिमार्जन के लिए काम करते हैं। तो परिमार्जन के लिए हम अपने आपसे पूछते हैं स्टेप सिक्स में कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है। पार्ट ए में हम पूछते हैं कि अब मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का, व्यवस्था का, सहसित्व का, या विरोध का, अव्यवस्था का, संघर्ष का, कौन सा भाव स्वीकार है। तो ये जब दिखता है कि मुझे संबंध का, व्यवस्था का, सहसित्व का भाव सहज रूप से स्वीकार है तो अपने आप में एक निर्णय बनता है। उन्होंने पार्ट बी में देखा कि मुझे संबंध के चिंतन की, व्यवस्था के बोध की, सहसित्व के अनुभव की आवश्यकता है। इस बात को हम अपने आप में तय कर पाते हैं। और इसमें भी ये देखने की बात है कि हम अपनी दिनचर्या में कितनी बार इस बात को तय कर पाते हैं, कितनी बार हमें इस बात का होश रहता है किसकी आवश्यकता है। स्टेप सेवन में पार्ट ए में हमने संबंध, व्यवस्था, सहसित्व के भाव को किस क्षण में अपने आप में सुनिश्चित करने की बात की, इसको अपने आप में सुनिश्चित करना है ना। और फिर पार्ट बी में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरा हर निर्णय अब इसी अर्थ में हो, इसी आधार पर हो। तो ये हम देख सकते हैं कि जब मैं संबंध, व्यवस्था और सहसित्व को संपूर्णता में समझ पाता हूँ, मेरे भाव विचार उसी आधार पर चलते हैं और मैं अपने आप में निरंतर आराम की स्थिति में रहता हूँ, सुख की स्थिति में रहता हूँ, और यही मेरी वांछित स्थिति है। इतना जो हम प्रयास कर रहे हैं है ना, ये मैं एक निरंतर इकाई इतना जो प्रयास कर रही है इसी स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। अभ्यास दो में फिर हम लोगों ने मैं द्वारा शरीर को अर्थात चैतन्य द्वारा जड़ को देखने समझने का काम किया। तो इसमें हम लोगों ने फिर से कुछ स्टेप से बात की है, कुछ स्टेप से अभी बात करेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ये देखा कि मैं हूं और शरीर है, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। और ये भी देखा हमने कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं से चलता है, शरीर के होने का पता शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं से चलता है जिसको मैं पढ़ता हूँ। फिर अभ्यास दो में हमने देखा, स्टेप टू में हमने देखा कि मेरे शरीर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सिर्फ सूचना का है। मैं जो शरीर को संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, वह एक सूचना है। शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उसको मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, वो भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच में कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा, सिर्फ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। स्टेप थ्री में हमने देखा कि वो मैं ही हूँ जो निर्णय करता है कौन सी संकेत को शरीर को देना है, कौन सी सूचना को शरीर से पढ़ना है, निर्णय मेरा है। तो मैं ही ये निर्णय लेता हूँ समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार। अब ये जो हम बाकी के स्टेप्स अभी नहीं टेकअप किए हैं परंतु उसको संक्षेप में देख लेते हैं। तो ये स्टेप फोर में हम देख पाते हैं कि मैं शरीर में होने वाली संवेदना को देख पाता हूँ और मेरी शरीर से दूरी है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का अंग नहीं हूँ, शरीर मेरा अंग नहीं है, बल्कि शरीर से मेरी एक दूरी है। और ये दूरी वो फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, यानी स्थान में एक बने रहते हुए भी मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, है ना। तो वहां से मुझे एक दूरी दिखाई देती है, जो भी संवेदना आती है उससे मुझे अपनी एक दूरी दिखाई देती है। तो इससे मैं और शरीर के अलग अलग होने का पता लगता है, मेरे और शरीर की उतनी दूरी है। अभी एक ही स्थान पर मैं भी बना हुआ हूँ, शरीर भी बना हुआ है, परंतु दोनों एक नहीं। इसी को हम दूरी रूप में पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। फिर स्टेप फाइव में हम ये देखते हैं कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे जो मेरा जुड़ाव होता है वो शरीर के साथ जो जुड़ाव होता है संवेदनाओं के आधार पर होता है, और इन संवेदनाओं को मैं अर्थ देता हूँ। तो संवेदनाएं तीन प्रकार की हमें मिलती हैं, इसको हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक तो शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, है ना, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है,
पेट में कुछ चल रहा है, पैरों में कुछ चल रहा है, सिर में कुछ चल रहा है, ये सब क्रियाएं चल रही हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ संवेदना के रूप में। दूसरी तरह क्रिया है जो शरीर से बाहर है, उसमें दो भाग है। तो एक तो मानव का व्यवहार, कोई मानव हमसे कुछ व्यवहार कर रहा है, कुछ कह रहा है ना, तो हम उसको सुनते हैं। तो ये मानव के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है वो भी मुझे संवेदनाओं के रूप में ही मिलता है। कोई व्यक्ति आकर मुझे गाली दे रहा है तो वो शब्द ही सुनाई पड़ते हैं, ठीक है ना, ये गाली है, ये अर्थ मैं देता हूँ। तीसरी चीज, जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही है, बारिश हो रही है, धूप है ना, हवा चल रही है, या टीवी में कोई दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल पे कोई दृश्य देख रहे हैं, तो ये सारा जो है बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाएं है, वो भी मुझे संवेदना के रूप में पढ़ने में आती है और मैं उनको फिर कोई अर्थ देता हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि जो मैं अर्थ देता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास एक में हम भाव को सजग हुए थे और भाव के पीछे संस्कार को देखने का हमने अभ्यास किया था और फिर उसमें परिमार्जन की बात की थी। वैसे ही अभ्यास दोनों संवेदना को देखने की बात कर रहे हैं और संवेदना को मैं कैसे अर्थ दे रहा हूं उस चीज को देखने की बात कर रहे हैं। वही शब्द है, मैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा बोले जाने के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ देता हूँ, भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न अर्थ देता हूँ। और ये जो अर्थ है ये मेरे सुख और दुख को तय करता है। तो बाहर का शब्द नहीं है, मेरा अर्थ है कि नहीं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी अभ्यास दो में कि मैं ही अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेदार हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कोई आकर मुझसे अपशब्द कहा, ठीक, मैंने कहा यह गाली है ना, फिर हमने आगे जोड़ा ये मेरा अपमान करना चाहता है ना, इसलिए मुझे गाली दे रहा है। अब यहां से मेरा दुख शुरू हुआ। अगर मैं इस बात को देख पाऊं ये अपशब्द कहा, यह गाली है, ये व्यक्ति अपने आप में दुखी परेशान है, इसको मुझे स्थिति से निकालना है, नहीं तो ये ऐसे दुखी रहेगा। अब मेरा भाव बिल्कुल बदल गया, अर्थ मेरा बिल्कुल बदल गया है, मेरा भाव बदल गया, मेरे सुख की स्थिति बनी रही। इस बात पे हम लोग काम करेंगे, गंभीरता से काम करेंगे। ऑलरेडी जो लोग बैच 6 या बैच 5 में रहे हैं या पहले के बैचेज में, उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। जो लोग नए साथी जुड़े हैं उनको थोड़ा इस पे अच्छे से काम करने की जरूरत होगी। तो हमको दिखाई देगा कि ये जो मैं अर्थ देता हूँ है ना, वो मेरे संस्कारों पर निर्भर करता है। मैंने ये माना हुआ कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है तो मैं एक तरह से अर्थ देता हूँ। मैं मुझे दिखाई देता है कि नहीं, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, दुखी होता है तभी दुखी करता है, तो मैं दूसरे प्रकार से अर्थ देता हूँ। तो ये जो मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स होना है, इनर या आउटर, ये अल्टीमेटली मेरे संस्कारों पर निर्भर है। तो हम लौट के फिर से स्टेप 5 में जैसे वहां काम कर रहे थे, वैसे यहाँ पे अपने संस्कारों को देखने का अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि स्टेप 5 में वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। वहां भी हम अपने संस्कारों को देख रहे थे, यहाँ भी संस्कारों को देख रहे हैं, वहां संचित संस्कारों को देख पा रहे थे, यहाँ जो दूसरे से व्यवहार मिल रहा है उसके साथ जोड़कर देख पा रहे हैं। और देखिए ये जो संस्कार हमारे बन गए हैं गहरे गहरे मान्यताओं के आधार पर, बिना जांचे बिना समझे, यही हमारे दुख का कारण बने रहते हैं और यही से हम संघर्ष करते रहते हैं। तो जो मेरा प्रतिक्रिया है या अनुक्रिया है वो मेरे संस्कारों पर निर्भर करता है। और फिर आपको ये दिखाई दे कि उस हिसाब से मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो अगर मेरा संस्कार मान्यताओं पर आधारित है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, इसको स्टेप 6 में स्टडी करते हैं और इसको हम लोग एक्सप्रेशन वाले पार्ट को और ठीक से स्टडी करते हैं। तो ऐसा मानो आपके ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो वॉइस और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना, किसी को सुनकर मेरे मुंह पे क्या, चेहरे पे क्या आकृति बन गई, कैसे मैंने हाथ पांव चलाया, कैसे शब्द निकल गए किसी घटना पर, तो ये सारा हमको अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना, मैं कैसे कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ, कैसे कैसे मैं रिस्पॉन्स यानी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ यानी अनुक्रिया करता हूँ। तो यदि मेरा संस्कार मान्यताओं पर आधारित है तो जो मेरे भाव हैं जो गलत सही दोनों हो सकते हैं, उसके आधार पर मैं फिर सुखी या दुखी होता हूँ ना, और मैं फिर रिएक्ट करता हूँ। कई बार किसी बात से एक्साइटेड हो गए वो भी एक रिएक्शन है, किसी बात से डिप्रेस हो गए वो भी एक रिएक्शन है। परंतु यदि मेरा संस्कार समझ पर आधारित है, मुझे संबंध की समझ है, व्यवस्था की समझ है, सह अस्तित्व की समझ है, मैं उसी के अनुसार अपनी भागीदारी तय करता हूँ, मैं अपने आप में सुखी बना रहता हूँ
और जो भी एक्सटर्नल इनपुट्स हैं उससे मैं दूसरे का मूल्यांकन करता हूँ। आप पाएंगे धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आने लगते हैं कि दूसरा अगर आकर आपकी तारीफ शुरू कर दे तो ऐसा नहीं कि आप उसे प्रभावित हो जाते हैं, उसके तारीफ को सुनकर आप ये निर्णय कर पाते हैं अपने आप में किस व्यक्ति की स्थिति क्या है। ये अगर किसी बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है तो ये कहीं उसकी योग्यता की कमी है ना। और यदि किसी बात से उल्टी तरफ प्रभावित हो गया है, निगेटिविटी में चला गया है, तो ये भी उसकी योग्यता की कमी है। तो हम प्रशंसा से ना तो बहुत अप्लावित बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ना निंदा से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बल्कि हम उसके साथ अपना मूल्यांकन जरूर करते हैं और वो तो हमारे अंदर हर क्षण चल रहा होता है। ठीक है, मैं कैसा हूँ, कैसा जी रहा हूँ, जब मैं अपने भाव को देख पाता हूँ, दूसरा व्यक्ति तो उसको देख भी नहीं पा रहा, वो तो सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन को देख पा रहा है, तो मैं अपना मूल्यांकन तो अपने अंदर करके बैठा हुआ हूँ सटीकता से। जब दूसरा व्यक्ति आकर मेरे साथ कोई व्यवहार करता है तो मैं उसके साथ दूसरे का मूल्यांकन कर पाता हूँ, फिर अपनी भागीदारी को देख पाता हूँ। तो आप पाएंगे कि आपके भाव में अब धीरे धीरे पहले से बेहतर एक स्थिति, एक स्थिरता आने लगी है। आप किसी की ना तो प्रशंसा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ना किसी की आलोचना से बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, उसका अपना मूल्यांकन जरूर करते हैं। और यदि आप सजगता से अपना मूल्यांकन पहले से ही कर पा रहे हैं तो उसके साथ मिलाकर आप देख लेते हैं कि ये जो व्यक्ति ने मूल्यांकन किया वो ठीक है कि नहीं, है ना। और फिर उसके साथ मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या भागीदारी बनती है, कर पाते हैं, ये हम रिस्पॉन्स के रूप में अपने आप को देख पाते हैं। 7 में जो थोड़ा आगे काम है, मैं अपने होने को स्पेस में देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मैं हूँ, अस्तित्व में बना हुआ हूँ, शरीर है वो भी अस्तित्व में बना हुआ है, और मेरे शरीर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी अस्तित्व के थ्रू, इसी स्पेस के थ्रू हो रहा है, अस्तित्व में वो भी है। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं इस आशय से कि हमारी थोड़ी और तैयारी हो जाए एक्सरसाइज 3 के लिए कि नहीं, परंतु ये 3 में हम एक्सरसाइज 3 को अभी टेकअप नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी और तैयारी चाहिए। इनफैक्ट हम लोग आगे चलकर जो ज्ञान का आयाम है ब्लॉक B1 उस पर और विस्तार से काम कर सकते हैं, उसमें फिर इस चीज को हम और बारीकी से देखने का अभ्यास कर सकते हैं अपने आप में। जी भैया, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई है ना उलझन हो तो रख सकते हैं सामने। तो ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पे काम करना शुरू कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 को हम लोगों ने कम्प्लीट भी कर लिया है, ठीक है ना। तो नमस्कार भैया, मैं ये सामने वाले की योग्यता को देख पाना और ये देख पाना कि योग्यता से वो पॉजिटिवली इफेक्टेड है या नेगेटिवली इफेक्टेड है, ये पॉइंट थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे। तो अभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपकी आलोचना कर दी, है ना, आपकी निंदा कर दी, हो सकता है उससे आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, या हो सकता है कोई आता है और आपकी बहुत प्रशंसा करना शुरू करता है, अरे है ना आप जैसे तो कोई फैकल्टी नहीं इस पूरे कॉलेज में और आपके कारण ही तो पूरा कॉलेज चल रहा है, आप ना हो तो कॉलेज बैठ जाए। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खुल गए और अपने चेयर पे 4 इंच ऊंचे हो गए, ऐसा भी नहीं। तो अब जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है या निंदा करता है तो हम उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम अपना मूल्यांकन पहले से ही करके बैठे हैं, हमको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर मैं चिंतन में जागृत नहीं हूँ, अगर मैं बोध में जागृत नहीं हूँ, है ना, या आंशिक रूप से जागृत हूँ और मुझे कोई आकर कहे आप पूर्णतया समझदार हैं तो मान तो लेंगे नहीं कि नहीं, आप कहे कि आपके कारण ही पूरा कॉलेज चल रहा है, आपके कारण ही भर्ती घूम रही है, तो ऐसा तो नहीं हम मान लेंगे उसको। तो हम अपना मूल्यांकन जो सटीकता से कर पाते हैं, इसलिए कई बार जब हम लोग सम्मान के भाव की चर्चा करते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि मैं दूसरे का सम्मान तभी कर पाता हूँ जो अपना सम्मान कर पाता हूँ, और अपना सम्मान तभी कर पाता हूँ जो मुझे अपने ब्लॉक B1 में कितना जागृत हुआ हूँ, ब्लॉक B2 मेरी क्या स्थिति है, कितना मैं मान्यताओं के आधार पर जी रहा हूँ, कितना संवेदनाओं के आधार पर जी रहा हूँ और कितना समझ के आधार पर जी रहा हूँ, इसका मैं सही आकलन अपना कर पाता हूँ, तभी मैं दूसरे का भी कर पाता हूँ, और उसमें भी यदि मान्यताओं से ग्रस्त हूँ, ठीक है ना। तो जब तक पता नहीं लग जाए कि यही मान्यता है तो मैं अपना मूल्यांकन सटीकता से कर भी नहीं पाता, तो वो चूक हमारे स्वयं के मूल्यांकन में भी होती रहती है और दूसरे के मूल्यांकन में भी होती रहती है। तो अभी जो हम मूल्यांकन करने भी जाते हैं तो आप पाएंगे कि हम अपना भी मूल्यांकन संपूर्णता में नहीं कर पा रहे और इसलिए हम दूसरे का भी नहीं कर पा रहे, परंतु दूसरे के साथ जो निर्वाह हो रहा है उसको देखकर हम दूसरे की स्थिति का आकलन कर लेते हैं एक सीमा तक।
तो जब हमारे अंदर ज्ञान की पूर्णता होती है तो मुझे अपने आप में श्रेष्ठता दिखाई देती है और मैं फिर अपना मूल्यांकन करके देख पा रहा हूँ कि हाँ इसमें पूरा पढ़ता हूँ, उससे पहले तो मैं पूरा नहीं पढ़ता। परंतु ये जो प्रभावित होना है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप पाएंगे दिन में कई प्रकरण होते हैं, कोई आता है आपसे तारीफ करता है आपकी, कोई आता है आपकी हो सकता है आलोचना कर दे, आपसे ना करे किसी और से करे, आपको सुनने में आ गया, आप प्रभावित हो गए। तो ये जो हमारे भाव विचार उतार चढ़ाव होता है, हम परतंत्र रहते हैं, फिर वो दूसरे के द्वारा कही गई बातों के आधार पर अपने आप में हमारी स्थिति बिगड़ती बनती रहती है। उसके स्थान पर ये हो सकता है अगर हमारे में सजगता हो जाए, जो अभ्यास एक और दो की बात कर रहे हैं, कि मैं अपना मूल्यांकन स्वयं कर पा रहा हूँ, दूसरे से हमें अपने मूल्यांकन जो हमने किया है ना उसकी या तो पुष्टि हो सकती है या ध्यान आकर्षण हो सकता है कि अभी मूल्यांकन मेरा शेष है, ठीक है ना। फिर अब गंभीरता से और मूल्यांकन करेंगे, कुछ चीजों का मूल्यांकन हो सकता है मैं अपने आप में नहीं कर पा रहा, जैसे आप क्लास को पढ़ा रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट जब बच्चों का फीडबैक मिलता है तो कुछ और भी प्रकार से मिल सकता है। तो हो सकता है हमने अपना मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, तो जो फीडबैक मिला उससे हमको और स्पष्टता बनी अपने मूल्यांकन में। अब मैं उस मूल्यांकन की स्पष्टता को अपने अंदर बना के रखता हूँ, ऐसा नहीं होता तो अगर बच्चों ने निगेटिव फीडबैक दे दिया तो मेरे अंदर क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है बच्चों के ऊपर, इतना मेहनत से पढ़ाया देखो ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों ने तारीफ कर दी हो सकता है कि हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते कि बहुत अच्छा पढ़ाया हमने, तो अब मैं उसका सहयोग लेता हूँ। ज्यादा अच्छा तो यह कि मैं अपना मूल्यांकन स्वयं से कर पाऊँ, अगर मैं कर पाता हूँ तब तो दूसरे के मूल्यांकन को सुनकर मैं दूसरे का मूल्यांकन करता हूँ, अन्यथा मैं दूसरे के मूल्यांकन से अपना पुनर्मूल्यांकन करता हूँ और हो सकता है मैं उससे प्रभावित हो जाऊँ। परंतु यदि मेरे अंदर स्वयं के मूल्यांकन के प्रति निष्ठा बनी हुई है तो मैं अपने मूल्यांकन को और पुष्ट करता हूँ उससे। तो ये दो अलग अलग बातें होगी। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। बढ़िया दीदी जी। भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, रियली आपने जो अभी ये कर दिया पूरा एक्सरसाइज वन और टू में जो हमने किया है, तो मुझे उसमें सिर्फ इतना ही, मेरा अभी क्वेश्चन यही है कि मुझ में ऐसा एक चेंज आया ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे UHV 1, 2 और ये 3 के 2 महीने पूरे हो रहे, तो मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ जिनसे बात करता हूँ वो बोलते हैं तुम्हारा थोड़ा सा तरीका जो है वो बदल गया है। तो ये जो आपने अभी बताया है कि दूसरे के कहने से अपन ने नहीं मानना या फिर अपना ही मानना शुरू रखना या अपने जानने अपने भाव के प्रति या अपने में जो इम्प्रूवमेंट हुई है स्वयं का मूल्यांकन स्वयं ने करना, तो मैंने अभी ये शुरू कर दिया है, यानी मैं जान गया हूँ कि मुझ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो क्या भैया ये बात सही है या कुछ और थोड़ा आप बताएंगे प्लीज। जी, तो मुद्दा मानने या नहीं मानने का नहीं है, बल्कि यदि मैं अपना मूल्यांकन सटीकता से कर पाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना बदल गया हूँ, कितना शेष है, कौन सी मान्यता है जिसको अभी मैं ढो रहा हूँ, कौन सी संवेदनाओं का प्रभाव है जिसमें अभी मैं सुख की आशा लगाए बैठा हूँ और किन से मैं निवृत्त हो गया हूँ, ये मैं अपना स्वयं में मूल्यांकन कर पाता हूँ। अगला व्यक्ति उसको देख पाता है अच्छी बात है, अगर वो देख पाता है तो फिर मैं उसके साथ उसके अनुसार योजना बनाता हूँ, नहीं देख पाता है तो फिर मैं उसके अनुसार योजना बनाता हूँ। प्रभावित होना तब है जब मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से, तो दूसरे के कहने से मैं फिर अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ। उसमें भी दो स्थितियां बन सकती है, एक तो बेहोशी में ही जी रहे हैं, तो दूसरे के कहने से हम प्रभावित हुए और एक्साइटेड हुए या डिप्रेस हुए, बट यदि हम सजग हैं, दूसरी स्थिति यह है कि हम सजग हैं तो अपने मूल्यांकन में और पैनापन ले आए, गंभीरता सुना, तो उसमें जो काम का है उसको हमने रख लिया, जो बाकी है वो फिल्टर आउट कर दिया। जैसे हो सकता है किसी ने आकर मेरी बहुत आलोचना की, अधिकतर उसमें ज्यादातर बातें अनावश्यक थी, परंतु मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि ये व्यक्ति मेरे साथ संबंध में अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाया है, कहीं मेरे निर्वाह में इसके साथ कोई चूक जरूर हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि कोई व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कहाँ मैं इस तरह संबंध में चूक गया हूँ। जी, या कोई व्यक्ति आकर मुझे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो भी मैं देख पाऊंगा कि कहीं चूक गया है व्यक्ति, और यदि ऐसे चलता रहा तो आज ये तारीफ कर रहा है कल आलोचना करे क्योंकि इसने गलत मूल्यांकन किया, अधिमूल्यांकन कर लिया मेरा। जी नहीं, उसको मुझसे कुछ चाहिए भी क्या, ये भी देखने का भाव अभी आ रहा है कि ये इतना अपनी तारीफ कर रहा है
तो उसे मेरे से कुछ लेना है क्या, कुछ सीखना है क्या, ऐसा मुझे लगने लग गया, प्लीज। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अब क्या है कि दूसरे के शब्दों को सुनकर मैं दूसरे का मूल्यांकन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और मेरे अंदर उसकी चाहना के प्रति आश्वस्ति बनी हुई है जी। लेकिन ये भाव तो भैया पक्का बन गया है कि दूसरा अगर मुझे मेरी आलोचना कर रहा है तो मैं, वैसे पहले भी उसी टाइप का आदमी था, धीरे धीरे यूएचपी में वही लोग आते हैं ऐसा मेरा मानना है, कि जो थोड़े से मतलब अच्छी विचारधारा रखते हैं या जिनको कुछ बदलने की इच्छा भी है, तो पहले से मेरे ऊपर जैसे बाकी लोग बोलते हैं, आपने जो अभी एक्सरसाइज 1-2 में कराया, तो मुझे लोग क्या बोलते, पत्थर किस्म का आदमी, अगर कोई इसको कुछ भी बोल देते इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिरता, ये जैसा है वैसा ही रहता है। तो वो मेरी जो स्थिति है वो अभी और अच्छी बनती जा रही है, ऐसा मेरा मानना है भैया जी। देखिए, प्रभाव नहीं बन रहा है तो ठीक है, बट हम स्वयं में स्वभाव में है कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। एक स्थिति है कि भाई हम बेहोशी में जी रहे हैं, है ना, किसी की बात सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं। मूल्यांकन सटीक कर पाया हूँ, इसलिए मैं प्रभावित नहीं होता। तीसरी स्थिति है कि, है ना, मैं मूल्यांकन नहीं कर पाया और प्रभावित हो जाता हूँ। तो जी, ये दूसरी स्थिति है वो ठीक है ना, पहली और तीसरी जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, पहली और ये ठीक नहीं है, ये दूसरी जो है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि जो भाव है वो क्यों मुझे प्रशंसा कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी में कमी है या उसे मुझसे कुछ चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप जानने लग गए जी। भैया बढ़िया भैया, ऐसा ही आगे चलते रहेगा। थैंक यू। प्रशंसा कर रहा है मतलब कॉम्पिटेंसी कमी है ऐसा नहीं। अच्छा, प्रशंसा कर रहा है अच्छी बात है, बट वो हमारा सही मूल्यांकन कर रहा है कि नहीं ये हमें देखना है। अच्छा, तो अच्छा। अधिमूल्यन कर रहा है तो भी मैं प्रभावित नहीं होता, अवमूल्यन कर रहा तो भी प्रभावित नहीं होता, है ना। अधिमूल्यन अगर कर रहा है तो हमें तुरंत देख लेना चाहिए कि कहीं मेरा कार्य या मेरा जो निर्वाह है उसे गलत तो नहीं हुआ है, मुझे कहाँ इम्प्रूव होना है, ये मुझे पहले देखना है। बराबर है भैया, अधिमूल्यन में अवमूल्यन दोनों में। हाँ, अवमूल्यन अधिमूल्यन दोनों में, यानी वो जो कुछ भी कर रहा है समझो उसने मेरा अपमान कर दिया, समझो यानी अपन माने कि उसने मेरा अवमूल्यन कर रहा है वो उसकी तरफ से, तो मुझे ये देखना है पहले कि मेरी क्या गलती है, ये मुझे पहले देखना है। मैं पहले ऐसा नहीं करता था, एकदम उसके ऊपर ऐसा अंदाज लगा कि वो गलत है, ऐसा नहीं। अभी मुझे पहले ये मानना है कि मेरा कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है, उसको मुझे पहले वेरीफाई करना है और उसके बाद फिर अपने आप को खुश रखना है अगर मैं सही हूं तो। बराबर भैया, थोड़ा कम बराबर बट चलेगा। अच्छा, चलो थैंक यू भैया, ऐसा ही चलता रहेगा जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। इसमें ये हो गया कि हाँ, तो हम अपना सटीक मूल्यांकन करें, और उसमें जरूरी है कि अभ्यास एक में जो हम भाव को थोड़ा देखने का जो अभ्यास कर रहे हैं उसको हम ठीक से करें, और अभ्यास दो में जो हम संवेदनाओं को अर्थ कैसे देते हैं उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें परिमार्जन के काम कर रहे हैं, उसको हम बारीकी से करें जी भैया जी। नमस्ते, ओके, धन्यवाद। तो मानव के ज्ञान को लेकर इस पे भी बात हुई हमारी, वी आर नेक्स्ट। इस पे भी हम लोगों ने अभ्यास दो जब शुरू किया था तो उस पे बात की ही थी। तो मैं क्या आवश्यकता, शरीर क्या आवश्यकता, मैं की क्रिया, शरीर की क्रिया, मैं का रिस्पांस, शरीर का रिस्पांस जी। इस पे भी बात हुई थी जब हम लोगों ने यूट्यूब 2 के कंटेंट को रिविजिट किया था, कि यदि मुझ में जो क्रियाशीलता है अगर मानने के ही दायरे में है तो मैं समस्या में, जब जानना सुनिश्चित होता है तो मैं समाधानित होता हूँ, और यही शिक्षा संस्कार का लक्ष्य है। इस स्थिति में पहुंच पाता हूँ स्वयं में जांच परख करके। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं सुबह के सत्र में, यही मूल शिक्षा है, जानना, है ना। दिन भर हम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं परंतु हो सकता है जानने के आधार पर या जानने के अर्थ में नहीं कर रहे, उसमें हम पढ़ने लिखने का, सीखने सिखाने का, है ना, करने कराने का बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट देखने, वास्तविकता को देखने और दूसरे को दिखाने का काम शायद हम आंशिक रूप से कर पाते। तो ये जो सुबह का सत्र है उसमें ये प्रयास है कि ये जो मूल काम है शिक्षा का, ये हमारे अंदर घटित हो, हमारे अंदर भी हो, हमारे परिवार के सदस्यों में भी हो, अगली पीढ़ी में भी हो, और यही लेकर हमको समाज में भी आगे बढ़ना है, ताकि समाज के हर व्यक्ति में हो, ताकि व्यक्ति समस्या से निकलकर समाधान में स्थापित हो पाए जी।
फिर हम लोगों ने है ना इसको भी देखा ही था कि मैं में जो रिस्पांस है जानना मानना पहचानना निर्वाह करना इस प्रकार का है। शरीर में जो रिस्पांस है वो पहचानना निर्वाह करना सिर्फ इसी प्रकार का है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने है ना कल वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में दीदी ने पोस्ट किया था ये असाइनमेंट हम लोग आज फिर से कर सकते हैं। इसको अपने आप में करना है अपने को देखना है तो स्वयं को देखना है और शरीर के साथ जो आपका आदान प्रदान हो रहा है उसको देखना है और फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखें कि स्वयं में सुख की आवश्यकता है कि नहीं और क्या हर क्षण है कभी कभी है। वैसे ही शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता है कि नहीं जैसे भोजन कपड़ा आदि और ये कभी कभी है या निरंतर है। फिर आगे जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि अपने आप को देखें और शरीर को देखें और फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये देख लें कि शरीर में सिर्फ पहचाने निर्वाह करने की क्रिया हो रही है या जानने मानने की भी हो रही है और मैं में देख लें कि पहचाने निर्वाह करने की जो क्रिया हो रही है उसका आधार क्या है मानना है या जानना है। फिर जो अभ्यास एक में हम लोगों ने अभ्यास किया है उसको भी स्वयं में एक बार कर लेने की जरूरत है तो उसको करते हुए हम देख पाते हैं कि जो मैं की क्रियाएं हैं वो निरंतर बनी रहती हैं, भाव हमारे अंदर निरंतर बने रहते हैं, विचार निरंतर चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि शरीर में जो क्रियाएं हैं वो सामयिक हैं, निरंतर नहीं है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया एक चीज पूछनी थी, जैसे कि हम मतलब सेल्फ में जैसे थॉट्स होते रहते हैं कभी कभी, जैसे आप थॉट्स जो होते हैं कि वो डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो जैसे कुछ हम कुछ भजन लगा लेते हैं या कोई गाना सुन लेते हैं, तो क्या ये सही है या फिर हमें उस थॉट्स को सोच के उसकी फीलिंग को सोच के उस पे ऑब्जर्व करना चाहिए? ये करने योग्य तो यही है कि हम उसको गंभीरता से लें। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा विचार चल रहा है जो हमें परेशान कर रहा है हम उसे इग्नोर ना करें, है ना, उसे ऑब्जर्व करें उसके पीछे भाव क्या है, उस भाव के पीछे संस्कार क्या है, वहां तक जाकर देखें और उस संस्कार में परिमार्जन किस विधि से होगी, है ना, वो भी हम जाकर देखें। करने योग्य तो ये है, हो सकता है हम बार बार इसको या हर बार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है उसको और बढ़ाएंगे। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो सामयिक रूप से जो आपको लगता है कर ले, है ना, परंतु ये अपने को दिखाई दे कि इसकी निश्चितता नहीं है, इसकी निरंतरता तो नहीं हो सकती नहीं। तो हम उसको अपने जीने कार्यक्रम तो नहीं बनाएंगे, उस अर्थ में हम अपने जीने के पूरे स्वरूप को तो नहीं तय करेंगे। तो एक बार हमको ये दिख जाए, ये जो मौलिक वास्तविकताएं हैं हमको दिख जाए, तो हम जीने में जो योजना कार्यक्रम बना के चल रहे हैं उसको गंभीरता से हम तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं के लिए हम खूब सारा पैसा जुटाएंगे और लगाएंगे, है ना, या दूसरे से कुछ अच्छा भाव मिल जाए, वही प्रशंसा मिल जाए, तो उसके लिए हम ढेर सारी योजना कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसा नहीं। तो अब कम से कम जो जीने में हम निर्णय ले रहे हैं उसको तो गंभीरता से काम करके निर्णयों पे हम, है ना, उनको सटीक करेंगे, ठीक करेंगे, और क्षण क्षण में जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसको और बढ़ाएंगे, जहां तक अभी कर पा रहे उससे और आगे जाएंगे। जी भैया। और भैया एक और चीज थी कि जैसे सेल्फ और बॉडी, मतलब सेल्फ बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि मतलब ये करना है, जैसे हम चलते हैं मतलब वॉक कर रहे हैं, तो जो हमारी लेग्स की मूवमेंट होती है, हैंड्स की मूवमेंट होती है, तो ये सिर्फ ये सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाती है, मतलब अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करके चलती है, क्योंकि हम उस टाइम कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे पाते उनको, बस एक बार हमने कहा कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो फिर वो लेग्स जो है वो खुद मतलब मूव करने लगती है। अब लेग्स लेफ्ट राइट उठा, मतलब हम चलते हैं जब हैं तो बायां दायां पैर लेके चलते हैं, पर हम उस टाइम ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे हैं कि हाँ कि ये अभी हमें ये करना है, अभी हमें ये करना है, तो ये खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ये चीजें एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद। देखिए समझना इस रूप में आप कर सकते हैं कि जैसे हम पेड़ पौधे को देखें, है ना, पेड़ पौधे में श्वसन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें भी जो संचार तंत्र है वो काम कर रहा है, इतना तो अपने आप होता है। वैसे पेड़ पौधे में भी देखें तो ऐसा नहीं होता कि टहनिया, है ना, उठ पाए या टहनिया झुक पाए, है ना, पेड़ पौधा ऐसा तो नहीं कर पाता। तो अगर हम अपने शरीर में भी देखें तो अगर हम पैर उठा रहे हैं तो निर्णय तो ले रहे हैं। हाँ, निर्णय तो हम ले रहे हैं भैया,
लेकिन निर्णय लेने के बाद जो है, जैसे कि अब लेग्स मतलब बायां पैर फिर दायां पैर फिर बायां, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन होती है भैया कि हम चल रहे हैं, जब एक सिंक्रोनाइजेशन में ही चलते हैं कि बार बार एक ही लेग्स को नहीं उठाते, मतलब तो ये इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं या फिर ये खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज है बॉडी के अंदर, बॉडी जो सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेती है अपने आप को, ये निर्णय दे रहे हैं? अच्छा, देखिए सेल्फ ऑर्गेनाइज ढंग से तो उतना हो रहा है, जैसे हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है ना, कोशिकाएं काम कर रही है, अंग काम कर रहे हैं, वो तो एक सेल्फ ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहा है। बट जहां हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ उठाना, पैर उठाना, बोलना, जो भी कर्मेंद्रियों से काम कर रहे हैं, भले ही रिपीटिशन हो रहा है उसमें कर्मेंद्रियों से, हम 10 किलोमीटर वॉक किए, बट हर एक स्टेप के पीछे मेरा निर्णय है। ये क्या होता है कि वो निर्णय एक बार लेने का हमारा अभ्यास हो जाए तो तत्क्षण होने लगता है। तो जैसे आप देखें तो जब भी आप पैर उठाते हैं तो मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, मांसपेशियों पर जोर पड़ने के लिए जरूर आप बल लगाते हैं अपने आप से, तभी पैर उठते हैं, तभी मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। तो उतना हम अपने निर्णय लेकर चल रहे होते हैं, उसी में ठिठक से रुक गए, तो चल रहे हैं, सामने से काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब ठिठक के रुक गए, पहले दूसरी गाड़ी कोई निकले तब चलेंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो, हाँ, तो रुक कैसे गए, चल कैसे रहे थे? तो ये जो कर्मेंद्रियों से जितना भी कुछ कर रहे हैं उसे मेरा निर्णय है। वैसे ज्ञानेन्द्रियों से जो सूचना आ रही है उसको पढ़ने का मेरा निर्णय है। जी जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। भैया एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये था कि जो हम लोग बॉडी और सेल्फ के बीच के जो संकेत है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, जो हम इसको देख रहे हैं या अपने भाव और विचार को देख रहे हैं या जो अभ्यास में बात हो रही है, इसी को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं या जब सहअस्तित्व दिखेगा उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे? थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। देखिए अभी भी आप जो पहले भाग को आपने कहा है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो हम देख नहीं रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं ज्यादातर समय कि हाँ भाई ऐसा होता होगा, शरीर को मैं कुछ बोल रहा हूँ तो संकेत तो दे ही रहा होगा, और यदि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो पढ़ने का निर्णय ले ही रहा होगा, तो विचार है। अगर देख पा रहे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दोनों चीजें हो सकती हैं कि जो घटनाएं हैं है ना, जैसे कर्मेंद्रियों को मैं कोई निर्णय दे रहा हूँ या ज्ञानेन्द्रियों से आने वाली सूचना को पढ़ रहा हूँ, शरीर में होने वाली घटनाओं को पढ़ रहा हूँ, ये घटनाएं हैं जो समय समय पर हो रहा है। दूसरा नियम है जिसमें संबंध दिखना, व्यवस्था दिखना, सहस्तित्व दिखना, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दोनों ही देख सकते हैं, इन घटनाओं को भी देख सकते हैं और जो नियम है उसको भी देख सकते हैं। बट अभी हम हो सकता है दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसा भी नहीं कि हम सूचना के आदान प्रदान को देख रहे हैं, उसका विचार भर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है और ज्यादातर समय ऐसा ही होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं विचार नहीं, मैं देख ही पा रहा हूँ? जैसे मुझे भ्रम हुआ आपकी बातों से, अभी ध्यान आ रहा है, जो लग रहा था शायद मैं देख पा रहा हूँ, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैं विचार में चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ? वही तो, जैसे अगर आप है ना रूप को देख पा रहे हैं तो रूप का पता चलेगा, गुण को देख पा रहे हैं तो गुण का पता चलेगा, अगर आप संबंध को, व्यवस्था को देख पा रहे हैं तो स्थिति को देख पा रहे हैं, उसका पता चलेगा। आप ही देखने वाले हैं तो पता तो चलेगा। अब उसको एक नाम देना है तो नाम तो हम कभी बाद में भी दे सकते हैं, परंतु हम उसको ये अपने आप में तो तय कर ही सकते हैं ना, तो रूप को देखा या गुण को देखा या स्वभाव धर्म परम धर्म को देखा, क्या देखा हमने, क्योंकि मैं ही देखने वाला हूँ तो मैं तो तय कर सकता हूँ। तो रूप और गुण में हम घटनाओं को देख रहे होते हैं, स्वभाव धर्म परम धर्म में हम नियम को देख रहे होते हैं, और जब देखेंगे तो पता लगेगा। उससे एक तरीका ये भी है कि अगर स्वभाव नहीं दिख रहा, धर्म नहीं दिख रहा, तो जरूर हम कहीं ना कहीं रूप और गुण तक देख पा रहे हैं। जी भैया जी, मैं आपकी बात समझ गया भैया, वो ज्यादातर टाइम तो हम रूप और गुण ही देख रहे हैं, स्वभाव और धर्म आप ही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। और उसको थोड़ा सा देखा, बाकी विचार किया, ये भी है। अच्छा, उसको बार बार नहीं देख रहे हैं, है ना, थोड़ा देखा, बार बार विचार किया, ये भी होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जी। सजगता होती है तो बार बार देख पाते हैं, ठीक से देख पाते हैं।
नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ भैया, अभी एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के पहले कि हम लोग जो चल रहे हैं तो उसका निर्णय हम लेते हैं, लेकिन बाद में हाथ पैर जो अपना चल रहे हैं वो स्वाभाविक वे में चलने लगते हैं, तब हम अवेयर नहीं होते। मैंने ऐसा नहीं कहा, निर्णय तब भी ले रहे हैं, बिना निर्णय के नहीं उठ रहा। मैंने कर्मेंद्रियों से जितना भी काम कर रहे हैं हर बार निर्णय ले रहे हैं, वही कि निर्णय कभी विचार पूर्वक लेते हैं, कई बार है ना विचार पूरा हो चुका है तो तत्क्षण निर्णय होता रहता है। तो भैया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निर्णय जो है कभी हम कॉन्शियसली ले रहे हैं और कुछ प्रक्रियाएं जो हमारी सेट हो जाती हैं बॉडी में, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियसली सारे मूवमेंट्स करते हैं, चाहे वो गियर चेंज करना हो, चाहे स्टेयरिंग हो, चाहे ब्रेक हो। हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है तो कहीं वो हम बन जाता है, तब हम उसको इतना कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं रहती। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कुछ सुन भी रहे हैं, लेकिन मूवमेंट्स अपने आप हो रहे हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि कुछ चीजें जो है हम कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो धीरे धीरे वो अपना सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। जी ये ठीक है जी भैया। तो लेक्चर 12 में हम सेल्फ और बॉडी के इंटरेक्शन को और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सेल्फ को स्टडी करते हुए हमने देखा था कि ये 10 क्रियाएं हैं जो दिखाई देती हैं। अभी ब्लॉक B2 में हम समान रूप से एक्टिव रहते हैं, तो हम चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन, इन्हीं क्रियाओं में एक्टिव रहते हैं। और अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी जो हम ध्यान देने का काम कर रहे हैं, जो वर्कशॉप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कंटेंट को, उन सब में देखें तो प्रयास इस बात का है, जी कर देख रहे हैं कि ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाए। और ये भी दिखाई देता है जो एंट्री पॉइंट है वो तो इच्छा के स्तर पर चित्रण से चिंतन की ओर जाने में है, उसी को हम धीरे धीरे उसको है ना क्रमशः एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी दिखाई देता है कि अभी हो सकता है हमारा जो जीने का स्तर है आशा पे ही केंद्रित हो, यानी हम कुछ हो जाए, कुछ पा जाए, कुछ मिल जाए, कुछ घटित हो जाए, उससे सुख लगाए बैठे हैं अपना, तो सुख की आशा में जी रहे हैं। तो शायद स्थिति बनती है कि हम सुख का विचार करते हैं, तो सुखी कैसे हुआ जा सकता है उसका हम विचार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वेरियस ऑप्शन चुनते हैं। उससे आगे स्थिति कि हम सुख को चित्रित कर पाते हैं, और उस सुख को चित्रित करने में कई बार हमको समय लगता है, क्योंकि हम कई बार एक सुखी जीवन को भी चित्रित नहीं कर पाते और लौट लौट कर हम फिर आशा में चले जाते हैं। तो जब सुखी जीवन को चित्रित करने जाते हैं तो फिर इन प्रस्तावों का अध्ययन करना बनता है। अगर मान्यताओं के आधार पर जी रहे होते हैं तो ज्यादा संभावना कि लौट कर फिर से हम आशा में चले जाएं। मान्यताओं के हिसाब से जीना हो पाएगा तो सुखी होंगे, नहीं हो पाएंगे, इसकी निश्चितता निरंतरता नहीं दिखती। तो जब हम सुखी होने का चित्रण करते हैं तो उस क्रम में हमको भाव की स्पष्टता की आवश्यकता बनती है कि भाव हमको स्पष्ट हो, तभी तो हम उसका पूरा चित्रण कर पाएंगे। उसी क्रम में सजग होने की आवश्यकता बनती है कि देखा जाए वास्तविकताओं को, है क्या, मैं क्या है, शरीर क्या है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, प्रकृति क्या है, पेड़ पौधे पशु पक्षी क्या है। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं कि इच्छा के स्तर पर और क्रियाशील होने काम कर रहे हैं। हो सकता है पहले हम आशा के स्तर पर ज्यादा क्रियाशील थे, या हमें से कुछ साथी विचार के स्तर पर ज्यादा क्रियाशील थे, है ना, कुछ भाव के स्तर पर भी ज्यादा क्रियाशील थे, ये भी हो सकता है, परंतु जो क्रियाशीलता थी उसमें भाव में उथल पुथल है ना, उठना गिरना बदलना लगा हुआ था, तो उसमें भी हम है ना बारीकी से सजगता के साथ काम कर रहे हैं। अब आगे जो करने काम है कि ब्लॉक B1 को हम और एक्टिव कर पाए, एक एक क्रिया को हम जागृत कर पाए, क्योंकि दिखता है कि अल्टीमेटली तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना ही इस पूरी शरीर यात्रा की उपलब्धि है। स्वयं में जागृत कर पाना, दूसरे में जागृत कर पाना, यही उपलब्धि है। तो ये बात अभी तक हमारे ध्यान में आई है। और ये भी दिखता है कि जब ब्लॉक B1 एक्टिव होता है तो हम सहस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित कर पाते हैं पूर्णता में, और व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन कर पाते हैं पूर्णता में। उससे जो हमारे अंदर विचार चल रहा है, उसमें जो तुलन चल रहा है, वो सत्य धर्म न्याय के आधार पर नियंत्रित रहता है, यानी जो हमारे प्रिय हित और लाभ की दृष्टियां हैं वो उससे गाइडेड रहती है, नियंत्रित रहती है। वैसे आस्वादन में लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ जो रुचि मूलक आस्वादन है वो नियंत्रित रहता है।
इसके साथ ही हम फिर परस्परता में जीते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, भागीदारी करते हैं, ऐसा हमारा जीने का एक निश्चित कार्यक्रम बन पाता है। इतनी बात हमने पहले भी की थी जी। एक प्रश्न है अर्चना मिराशी जी का, घटना और नियम, तो रूप और गुण को लेकर जो कुछ घटित हो रहा है वो घटनाएं हैं, बट उसका जो आधार है वो नियम है। तो इकाई का स्वभाव, इकाई में व्यवस्था, इकाई का सहस्तित्व में होना, ये नियम है। इसके आधार पर इकाई के रूप और गुण में परिवर्तन होते रहते हैं, जो घटनाएं हैं। जैसे शरीर की अपनी एक व्यवस्था है, वो नियम है, बट हमारे शरीर का रूप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदल रहा है। ठीक से देखें तो हर क्षण बदल रहा है, तो रूप बदल रहा है, शरीर का गुण भी बदलता हुआ हो सकता है। तो रूप और गुण में परिवर्तन होते रहते हैं, ये घटनाओं के रूप में अपने को दिखाई देता है, परंतु इसके आधार में जो नियम है, संबंध में होना, व्यवस्था में होना, अस्तित्व में होना, ये बने रहते हैं। ये दोनों शब्दों में अंतर है। तो इसको लेकर कल हम लोग लेक्चर 12 पे और बात करेंगे विस्तार से।